मौजूद मोहतरम हाजरीन, अब वो वक्त आ गया है जिसके मंतज़िर हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो हैं। इंशाल्लाह उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं मोहतरम डॉक्टर मलिक मोहम्मद शमसुज़मा साहब से गुजारिश करूँगा, लेकिन दो बातें मैं कह के ये नशिस्त उनके हवाले करना चाहता हूँ। उम्मीद जो यहाँ से अदीब भाई ने जिसका तस्करा किया कि आपको एक उम्मीद नज़र आई है, यहाँ पे हमारे बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो बच्चे भी हैं जो इस साल जिन्होंने नीट के कंपटीशन में कामयाबी हासिल की है, अभी उनको इनामात भी दिए जाएंगे। अदीब भाई से मैंने कल भी जिक्र किया था और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, तब से तकरीबन 30 साल पहले बरेली शहर में सिर्फ 4 मुस्लिम MBBS डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब मुस्लिम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इस शहर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ये उम्मीद है। उम्मीद जब पैदा होती है, अभी पिछले साल जब हमने कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ एक बच्ची बैठी थी नूर, शायद वो आई हो, उसके भाई की लिंचिंग हुई और उसका उसको मार दिया गया चारों को, उसने एक तहिया किया कि मुझे वकील बनना है। पिछले साल जब वो यहाँ बैठी थी तो मैंने आपको याद दिलाया था कि नूर वो वकील है जिसने अहद किया और उसने वकील बन के दिखाया, आज वो मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये उम्मीद। उम्मीद जब पैदा हुई जब हम हारून नगला में तालीमी मिशन के लिए गए, बेदारी के लिए गए, और एक साहब ने हमसे कहा कि अच्छा हुआ जलील दर्जोजी का काम खत्म हो गया, अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ये उम्मीद है। उम्मीद इंशाल्लाह रहेगी और ये नशिस्त जो यहाँ पे आप हजरात की मेहनत से आरास्ता हुई है, आपकी वजूद ने इसको रौनक बख्शी है, इंशाल्लाह ये उम्मीद हर जगह फैलेगी, मुल्क के तूल व अर्ज़ में फैलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ मलिक मोहम्मद शमसुज़मा साहब, डॉक्टर मलिक मोहम्मद शमसुज़मा साहब से कि तशरीफ लाएँ और इनामात की तकसीम के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ, बच्चे बहुत मुंतज़िर हैं। शुक्रिया अहमद अजीज़ खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं भी अपनी तरफ से तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करता हूं और जो हॉल में मौजूद हैं उनका भी। ये अब इनामात तकसीम करने का थोड़ा वक्त है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से सुकून के साथ आप लोगों ने इन तकारीर को हमारे मेहमानों की सुना है, उसी तरह से थोड़ा सा खामोशी इख्तियार रखें जिस दौरान ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अफरा तफरी होती है और उस वक्त दूसरे लोग बातें करने लगते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हाल के अंदर खामोशी रखें ताकि ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से इनामात की तकसीम हम इसको कर सकें, क्योंकि इनामात बहुत हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब हमारे जो मेहमानान हैं इनको भी तकलीफ़ होगी कि इनामात देना है, खड़े रहना है थोड़ी देर, कम से कम आधा पौन घंटे का इसमें वक्त लगेगा। तो मैं पहले जो है समर इस्लामिक क्लासेस, इसका जो तारुफ हो चुका है, समर इस्लामिक क्लासेस हम लोग हर साल करते हैं पैगाम इंसानियत की तरफ से, इस साल भी 10 रोज़ की समर इस्लामिक क्लासेस की गई थी और ये हमने 28 मई से 6 जून तक रखी थी। इसमें हमारे दो सेंटर थे, एक स्पैरो पब्लिक स्कूल पुराने शहर बरेली में था और एक अलफलाह जूनियर हाई स्कूल शहर के दूसरी तरफ था। कुल मिलाकर के इसमें करीब 225 बच्चे शरीक हुए और इनमें करीब 125 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया था, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया। यहाँ जो हमने इन समर इस्लामिक क्लासेस में हमने जो टॉपिक्स कवर किए, मैं अपने मेहमानान के लिए थोड़ा सा उसको बता दूँ कि उसमें तकरीर में इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब का तारुफ था, दीगर अंबिया की तारीफ़ थी, कुरान का तारुफ था, हदीस का तारुफ था,
इबादत के बारे में बताया गया, कुरान और साइंस के बारे में इसमें लेक्चर था। इसके बाद जो सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया था, आगोश आमना से लेकर गार हिरा तक, गार हिरा से लेकर गार सोर तक, और गार सोर से लेकर आपका रफ़ीक आला तक। यानी तो ये तीन तकरीरें इस पर हुईं। इसके बाद जो टॉपिक खिलाफत राशिदा पर एक तकरीर हुई थी, और खिलाफत राशिदा के बाद फिर हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद, इसके बारे में पूरा बताया गया कि इस्लाम कैसे फैला इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर। फिर मुसलमानों का रोल साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या रहा है, माजी में हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, और मुसलमानों का रोल जो जंग आज़ादी में क्या हुआ है उसके बारे में बच्चों को बताया गया। इसके अलावा हुकूकुल इबाद पे तकरीर की गई थी और अखलाकियात पे तकरीर हुई। ये कुछ मौजू थे जिनके ऊपर हमने 10 दिन के लिए 20 लेक्चर मुनक्किद किए थे, 20 लेक्चर्स रखे गए, और इसमें इसके बाद एक क्लास टेस्ट रखा गया। हमारे हमने दो ग्रुप्स में बच्चों को तकसीम किया, एक जूनियर कैटेगरी 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे थे, और एक सीनियर कैटेगरी जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th ये बच्चे थे। तो इस तरह से दोनों सेंटर पे अलग अलग एग्ज़ाम हुए, और दोनों सेंटर पे की मेरिट लिस्ट अलग बनाई गई, क्योंकि कभी ये होता है कि एक लेक्चर मुकर्रर है, एक जगह कोई बात बताता है दूसरी जगह कभी भूल भी जाता है, इसलिए दोनों जगह की मेरिट लिस्ट अलग बनाई गई, और उसके इनाम सबसे पहले हम तकसीम करेंगे। इसमें जो पहले पोजीशन होल्डर्स हैं मैं उनको बुलाऊंगा, और मेहमानान खसूसी और जो हमारे मेहमानान बावकार गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इन बच्चों को अपने हाथों से इनामात से नवाजें। तो पहले जूनियर ग्रुप जो स्पैरो पब्लिक स्कूल का है उसमें मोहम्मद अमान, थोड़ा जल्दी जल्दी बच्चे आएंगे निकल के, मोहम्मद अमान फर्स्ट पोजीशन, साहिल हुसैन, मोहम्मद अमान सन ऑफ मोहम्मद यासीन 7th क्लास के बुशरा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उधर से आएंगे और इधर से जाएंगे बच्चे। दूसरा बच्चा साहिल हुसैन सन ऑफ मोहम्मद अशरफ 7th क्लास स्पैरो पब्लिक स्कूल, मेहमान मोहतरम चीफ गेस्ट साहब अभी आगे आओ, लेकर के नाम लेके आओ, आपको आपको आपके जरिए ना पीछे खड़ा कर दीजिए, फोटो वो बाद में होगा, ग्रुप इसमें नहीं होगा। मोहम्मद अमान, दूसरा नाम साहिल हुसैन स्पैरो पब्लिक स्कूल के हैं, तीसरा नाम इल्मा अजीम, इल्मा आ जाए इल्मा जल्दी से, चौथा नाम मुजयन फरहाद, इल्मा 8th क्लास की मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, मुजयन फरहाद इल्मा और मुजयन इन दोनों को 3rd प्राइज है, और 4th पोजीशन रजा हुसैन 7th क्लास मॉडर्न इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल। इसके बाद जूनियर ग्रुप अलफलाह का है, उमामा हादिया 1st पोजीशन, उमामा हादिया, सलवा आफरीन ये भी 1st पोजीशन, दोनों बच्चों ने बराबर के मार्क्स हासिल किए, उमामा और सलवा आफरीन जल्दी आए बच्चियां। उसके बाद 2nd पोजीशन है जीशान अली फैसल, जीशान अली फैसल, शीजान अली फैसल, शीजान अली फैसल 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन शानजा नूर, शानजा नूर
इसके बाद फिफ्थ क्लास के कुछ बच्चे शौक से वहाँ पे शामिल हुए थे, उनमें बहुत हाई मेरिट उन्होंने ली, तो तीन बच्चे हैं माहीन फातिमा, जुनैरा फातिमा और सुबान जकी फैसल, ये आ जाएं। इन तीनों को कंसोलेशन प्राइज दिया गया है। माहीन फातिमा, जुनैरा फातिमा, सुबान जकी, इसके बाद सीनियर ग्रुप स्पैरो पब्लिक स्कूल, रोमैसा इजहार, टेंथ क्लास की सेंट मारिया की स्टूडेंट, फर्स्ट पोजीशन रोमैसा इजहार, सेकंड पोजीशन खदीजा रिजवी सेंट मारिया, रोमैसा खदीजा एक सेकंड पोजीशन, सामिया अंसारी, उसके बाद अम्मार शकील थर्ड पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन पे साजिदा शाकिर और हुमैद अहमद। रोमैसा, खदीजा, सामिया, अम्मा शकील, अम्मा शकील हैं नहीं, साजिदा शाकिर, हुमैद अहमद, फिर अलफला सीनियर ग्रुप, रैयान फैसल फर्स्ट पोजीशन, रैयान अहमद सेकंड पोजीशन, रैयान अहमद एफ आर इस्लामी इंटर कॉलेज इलेवेंथ क्लास, रैयान अहमद जी आर एम स्कूल नाइन्थ क्लास, फिर फरमान बेग इलेवेंथ क्लास एफ आर इस्लामिया इंटर कॉलेज, कनीस सैयदा रोहिलाज इंटरनेशनल स्कूल की नाइन्थ क्लास, और मोहम्मद ताजवार JPM स्कूल गिरीश प्रसाद मेमोरियल नाइन्थ क्लास। अब वाल लिस्ट पे कहाँ है वो, मेरिट लिस्ट? अच्छा नहीं, अब वो ऐसे बोला नहीं। इसके बाद समर इस्लामिक क्लासेस में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसको पास किया है, उन सबको सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं सीट पर, और जो बच्चे लेट आए थे अगर उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं तो वो सब्र रखें, उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद दे दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं लड़कियों से जो रो है उनसे कहूँगा कि एक एक रो पूरी आ जाए और यहाँ पर आ कर के मेहमानान के साथ अपने सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटो खिंचाएं। जो फर्स्ट रो है उसको, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, फर्स्ट रो को ऊपर भेजें। फर्स्ट रो अपना सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइए। जिनको जिनको इनामात मिल चुके हैं वो वहीं बैठे रहें। इसके बाद हाँ ये है, ये देख लीजिए तो कुछ कहना है। हाँ अच्छा अच्छा नहीं, आगे रो, आगे खड़ा किए ना, वो खड़े हो जाएंगे, आप सब लोग खड़े हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, बच्चे आगे आ जाओ, आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। आप लोग भी
डायस पर मौजूद तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि वो भी अगर अपने सीट पे खड़े हो जाएं ताकि फोटो उनका अच्छा आ जाए। अजीत भाई, अजीत भाई, जाइए इधर से, आप चले जाए इस साइड से, वापस जाए, आइए आइए, नेक्स्ट रो, जगह है और बेटा, और इधर आ जाओ, चलिए नेक्स्ट रो, अरे नहीं आप रहने दीजिए, माइक हटा दीजिए, फंस के गिर जाएगा, क्या हो जाए, केबल हटा दीजिए, कोई गिर जाएगा फंस, केबल संभाल के कोई गिरे ना, गैस के पीछे चलिए, हैं वो कह रहे हैं सही, अभी कह रहे हैं ठीक है, ओके थैंक यू, नेक्स्ट रो, चलिए बैठ, जाने दे जा, कौन बोलेगा यहाँ तो बोल पता नहीं, इधर बैठे यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक, यहाँ तक चलिए, पूरे बोलो इनको, बच्चों को इधर से बीच से पहुंचाओ ना, उधर ही आ रहे हैं उधर ही जा रहे हैं, तो नहीं इनको वापस बीच से करिए ना, बीच में से वापस जाए अपनी सीट पे वापस, Thank you.
नेस्ट्रो इधर आओ बेटा, करीब में इधर तक, यहाँ तक आओ बेटा, इधर तक आओ, चलो नेक्स्ट रो, नेक्स्ट बच्चियां, बच्चियां भी आ जाए, भेज सारी बच्चियां आ जाएं, जो बच्चे हैं बच्चे, ठीक है, अब लड़कों की तरफ से फर्स्ट रो आ जाएगी, पहले इनको बच्चियां उतर जाएं, लड़के उधर से आएंगे। स्पैरो पब्लिक स्कूल जूनियर क्लास से शुरू करें, नहीं वो उधर से, चलो चलो चलो, उन्हें बुला लो, लड़कों बुलाओ, फर्स्ट रो बॉयज, किनारे आओ, और किनारे आ जाओ, और बेटे किनारे आओ, बस बस, सेकेंड रो, सेकेंड रो बॉयज की, आ जाओ बच्चों जल्दी आओ, सेकेंड रो बच्चे बुलाइए, इनको बीच में से हटा दीजिए ताकि जगह हो जाएगी, मोहतरमा को बराबर में बिठा दीजिए दूसरी सीट पे कहीं, थैंक यू, नेक्स्ट रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, थैंक यू,
क्या हुआ? कोई नहीं रह गया होगा? सबको तो दिला रहे हैं, कोई बचेगा ही नहीं? कौन रह गया? और कोई बचे? बच्चे सभी आ जाएं, बॉयज में जो बॉयज में जो भी रह गए सब आ जाएं। चलो बीच में हो जाओ, थोड़ा बीच में, सेंटर में जाओ, सेंटर थोड़ा उधर। एक बच्चा और ऐड हो रहा है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, इधर आ जाओ कोई। चलो शुक्रिया जनाब, मेहमान है खुसूसी और गेस्ट ऑफ ऑनर, आपको बार बार खड़ा करना और बिठाना इस उम्र में हमारे लिए तकलीफ दे है, इसके लिए हम माजरा चाहते हैं। लेकिन बच्चों की खुशी होती है कि अगर वो क्लासेस करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी सबकी खुशी होती है कि सर्टिफिकेट हमें मेहमान के ज़रिए से मिले। तो कम अज़ कम हमने इतना रखा कि आपको फ़ोटो इंशाल्लाह मेहमानों के साथ हो जाएगा, और इस तकलीफ़ के लिए हम माजरा चाहते हैं आपसे। अब जी जी अभी और हैं, अभी थोड़ा सा तकलीफ़ और है। एक्चुअली हम जो तीन हमारे बोर्ड हैं, CBSE, ICSE और UP बोर्ड, तो इसमें 10th और 12th के जो बच्चों ने 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की उनको हम नवाजते हैं। तो हर इसमें हम पांच जो हमारे पास मार्कशीट आती हैं, हम एक आम ऐलान करते हैं कि हमें मार्कशीट अपने दे दी जाए, तो जो भी मार्कशीट हमें अवेलेबल होती है उसके हिसाब से फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक पहले पांच बच्चों को हम मेरिट सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस सिलसिले में मैं पहले CBSE बोर्ड के बच्चों को बुलाऊंगा, CBSE बोर्ड हाई स्कूल, जो हमें मार्कशीट मिली है 98% से लेकर 93% तक की, हमें जो टॉप फाइव हैं। पहला मोहम्मद फौजान सिद्दीकी, अगर मौजूद हैं तो फौरन आ जाएं। मोहम्मद फौजान सिद्दीकी, नहीं है तो अनस अहमद, अर्शी हसन, यह मौजूद नहीं है बच्चे, आज टेस्ट है, कोई टेस्ट है आज? अच्छा, किसमें कोई टेस्ट है शायद, बच्चे उसमें मसरूफ हैं। इसके बाद CBSE बोर्ड 12th क्लास इंटरमीडिएट, पहला इरफान अली, सन ऑफ सलमान अली, इमाद नूर शमसी हो गए। इसके बाद ICSE बोर्ड, चलिए सैयदा मिर्जा सर्टिफिकेट, आप आगे आइए जनाब, जहीर साहब आप आगे आइए, आगे ले लीजिए। जैना फातिमा, फिर ICSE इंटरमीडिएट, वानिया खान है मौजूद, अफान, उम्मे अमन, अदीबा आए नहीं है बच्चे, मतलब आए नहीं है, उम्मे अमन, अदीबा, मोहम्मद याकूब साहब की साहबजादी, नैया, उम्मे अहमन, अदीबा, अनम, अल्फिशा, खिजरा, तैयबा नूर, डॉट ऑफ मोहम्मद इलियास 89.2%, शिम्मी डॉटर ऑफ मोहम्मद यासीन 88.8%, नहीं है, हिबादी डॉटर ऑफ यासीन अहमद, तैयबा नूर, शिम्मी,
हिबा बी, मोहम्मद बरकत, इल्मा साबरी। हो गए, ये एक कैट एग्जाम के अचीवर हैं। अबुल हसन क्या मौजूद हैं यहाँ? अगर अबुल हसन मौजूद हो तो यहाँ आ जाए। इस साल जो अभी कैट एग्जाम हुआ और इसके अलावा नेट यूजी एग्जाम हुआ है, उसमें मैं आपको दे रहा हूँ, नेट यूजी एग्जाम हुआ है उनको कुछ हमने जो मेरिट जिनकी हाई आई है। ये जो बच्चे अभी नीट के अंदर आए हैं इसके सिलसिले में हमारे कुछ मुरब्बी हैं जिन लोगों ने इनको तैयारी कराई है, उसमें हमारे मतलब करीबुद्दीन साहब से मैं गुजारिश